हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिर से एक एंटी डैंड्रफ हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ। सो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का ही ज़रूरत पड़ेंगे। सो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो जो पहला चीज़ है वो है योगर्ट। यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट। तो योगर्ट में होता है प्रोटीन जो हमारे बालों को नरिश करता है, हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और इसमें है लैक्टिक एसिड जो हमारे स्कैल्प से डेड स्किन सेल्स को हटाता है और हेयर ग्रोथ में मदद करता है, और ये एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 स्पून ऑफ नीम पाउडर। और अगर आपके पास नीम के पत्ते अवेलेबल हो सो आप उसको पेस्ट बना के भी यूज़ कर सकते हो। सो नीम में होता है एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो कि हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को क्लीन करने में मदद करता है और स्कैल्प को रिफ्रेश करता है। हेयर ग्रोथ में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है, हेयर को मॉइस्चराइज भी करता है अच्छे से। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा नीम ऑयल, और आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो इसके बदले। ये हमारे बालों को थोड़ा सा मॉइस्चराइज रखेगा क्योंकि पाउडर प्रोडक्ट को यूज़ करने से बाल थोड़ा बहुत ड्राई हो जाता है, और ये कर्ड एंड नीम ऑयल हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखेगा और ड्राई नहीं होने देगा। और नीम का जो कड़वा स्मेल होता है उसको दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज एसेंशियल ऑयल डाला है, जो कि आप नहीं भी डाल सकते हो अगर आपको स्मेल से कोई इशू ना हो तो। तो इसको मैं अच्छे से एक पेस्ट बना लूंगी। और उसके बाद मैं अपने हेयर पे यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, और स्कैल्प पे अच्छी तरीके से मसाज करते हुए अप्लाई करना है। और फिर मैं इसे 1 घंटा छोड़ दूंगी ऐसे ही अपने हेयर पे। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो तो आप इसे एटलीस्ट 20 मिनट तक अपने बालों पर रख दीजिए, और फिर आपका जो नेचुरल हेयर वॉश रूटीन होता है वो फॉलो कर लीजिए बस। तो एंटी डैंड्रफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप लोग वो वीडियो चेकआउट करना चाहते हो तो मैं आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन पे दोनों जगह पे लिंक दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो वीडियो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को टैप कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।